नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 15 ऑफ स्टैंडर्ड 9 केमिस्ट्री। इन लास्ट क्लास वी हैव स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, इज इट क्लियर? एंड नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द टर्म स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, इज इट क्लियर? सो कम टू द पॉइंट, दैट इज लेटेंट हीट एंड अ स्पेसिफिक हीट, is it clear? Okay, see, latent heat and specific heat, these two topics we have to study in this lecture, in this class you can say. Okay, so let's start. अब देखो, समझो बात को। लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट में डिफरेंस क्या है, बता सकते, सोच सकते? तो डिफरेंस ये है, ये ये और ये 999 ग्राम का पढ़ा। द डिफरेंस बिटवीन लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट, इज इट क्लियर, इज अबाउट 999 ग्राम, 999 ग्राम का डिफरेंस है। कितने का? 999 ग्राम, क्लियर है? सही है, तो ये याद रखेंगे कि लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट में डिफरेंस कितने का होगा? 999 का, मतलब इसमें 1000 लेंगे सब्सटेंस ग्राम में और इसमें 1 ग्राम लेंगे, सही है? तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों का डिफरेंस 999 ग्राम, इज इट क्लियर? ओके, सो कम टू द पॉइंट, दैट इज लेटेंट हीट। चलिए अब इसमें समझते चलेगा दोनों को। इसमें जो हम सब्सटेंस लेंगे, सब्सटेंस क्लियर है, वो 1000 ग्राम लेंगे, कितना लेंगे? 1000 ग्राम, क्लियर है? और स्पेसिफिक हीट की जब हम बात करेंगे तो इसमें जो सब्सटेंस लेंगे, सब्सटेंस वो कितना लेंगे? 1 ग्राम। आई बात समझ में? ये फिर से समझिए, इसमें जो सब्सटेंस लेंगे लेटेंट हीट की जब हम बात करेंगे तो सब्सटेंस हम लोग लेंगे 1000 ग्राम, कितना लेंगे? 1000। और जब हम स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो सब्सटेंस कितना लेंगे? 1 ग्राम। मतलब द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट इज द मेनली 999 ग्राम इन मास, इज इट क्लियर? ये हम मास की बात कर रहे हैं सब्सटेंस का, इसका 1000 ग्राम लेंगे तो इसका कितना ग्राम लेंगे? 1 ग्राम, क्लियर हुआ? कंफर्म? चलिए सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। ये तो मास था, फिर हम आपको इस पर डिफिनेशन बताएंगे इसके बेसिस। सेकेंड है, वो है टेम्परेचर, क्लियर है? तो जरा इसको समझिए, टेम्परेचर की बात करेंगे तो लेटेंट हीट में ये कांस्टेंट होगा, क्या होगा? ये कांस्टेंट, क्लियर है? नहीं समझे? लेटेंट हीट में हम जब भी बात करेंगे टेम्परेचर का तो वो कैसा लेंगे? कांस्टेंट, क्लियर है? मतलब ये कॉन्स्टेंट हो, क्लियर है? और इसमें जब टेम्परेचर की बात करेंगे, क्लियर है, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, 1°C जब अपर एरो लेते हैं तो इंक्रीज, अपर एरो मीन्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, या फिर 1°C का डिक्रीज होगा नीचे एरो का, मतलब दिस एरो मीन्स डिक्रीज, ये जो नीचे एरो है इसका मतलब है डिग्रीज, मतलब यहां जो चेंज होगा 1°C का, कितने का डिग्री सी का चेंज होगा? 1°C, या तो 1° रेज होगा या फिर डिग्रीज होगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, कितने का? 1°C का, क्लियर है? दोनों पॉइंट नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। रिटेन, हम जब लेटेंट हीट की बात करते हैं तो उसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज दैट विल बी कॉन्स्टेंट, एंड इन केस ऑफ स्पेसिफिक हीट देर इज अ चेंज इन टेम्परेचर बाई आइदर इंक्रीजिंग 1°C और डिक्रीजिंग 1°C, इज इट क्लियर? रिटेन, नेक्स्ट टॉपिक पार्ट, दिस इज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड पार्ट इज फेज, फेज, डू यू नो अबाउट फेज? फिजिकल स्टेट यू कैन से। जब आप इस लेटेंट हीट की बात करेंगे तो इसमें दो फेज होंगे, कितने फेज होंगे? दो, मींस इट विल बी बाई फेज, इज इट क्लियर? वाई और यू कैन से डाई फेज, बट बेटर टू से बाई फेज, इज इट क्लियर? मींस यहां पे जो होगा,
कैसा होगा? बाय फेज. क्लियर है? इसमें कितने फेज होंगे? दो. बाय मीन्स टू, मतलब टू फेज. इट हैविंग टू फेज. इज इट क्लियर? एंड इसमें जब हम बात करेंगे फेज की, तो ये सिंगल फेज होगा. कैसा होगा? सिंगल फेज. कैसा? सिंगल फेज. और ऐसा बोले कि इसमें फेज चेंज नहीं होगा, मतलब इसमें डू नॉट चेंज फेज. समझिए, इसमें फेज चेंज नहीं होगा, जबकि इसमें फेज चेंज होगा. इसको बोला सिंगल फेज हो सकता है. अगर इसमें हम बात करें सॉलिड लिए हैं, तो वो सॉलिड ही रहेगा. अगर आप लिक्विड लिए हो तो लिक्विड ही रहेगा. अगर आप गैस लिए हो तो गैस ही रहेगा. क्लियर है? तो इसमें कोई फेज में चेंज नहीं आएगा. और जब इसकी बात करेंगे, इसमें फेज में चेंज आएगा. ये वाई फेज होगा हमेशा. अगर आप सॉलिड लिए हैं, क्लियर है, तो ये लिक्विड में चेंज होगा. और लिक्विड लिए हैं तो ये गैस में चेंज होगा. ऐसा नहीं कि सॉलिड सॉलिड ही रह जाएगा, लिक्विड लिक्विड. ये समझिए, अगर आप यू हैव टेकन सब्सटेंस इन सॉलिड फेज, देन इट्स फेज विल बी चेंज इनटू लिक्विड. एंड इफ यू टेकन सब्सटेंस इन लिक्विड फेज, देन इट विल बी चेंज इनटू गैस फेज. यहाँ बाई फेज मतलब टू फेज होगा. देखिए, एक फेज है, एक फेज है. हियर वन फेज एंड वन फेज, टू फेजेस आर देयर. मतलब ये बाई फेज होंगे, इसमें हमेशा दो फेज होंगे. अच्छा, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि लिक्विड लेंगे तो सॉलिड हो सकता है और गैस लेंगे तो लिक्विड भी हो सकता है. तो वो अलग केसेस हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे. क्लियर है? ये समझे बात को? फिर से मैं एक बार आपको समझा दूं. जब लेटेंट हीट की बात करेंगे तो सब्सटेंस 1000 ग्राम लेंगे, और जब स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 ग्राम लेंगे सब्सटेंस को. टेम्परेचर इसमें कॉन्स्टेंट होगा, जबकि इसमें टेम्परेचर जो है या तो 1 डिग्री सी से इंक्रीज करेंगे या फिर 1 डिग्री सी से डिक्रीज करेंगे. फेज का मतलब है, जब फेज की बात करेंगे लेटेंट हीट में, तो ये बाई फेज होगा, मतलब दो फेज होंगे. अगर आप सॉलिड लीजिएगा तो अपने आप ये चेंज होगा लिक्विड में, और जब लिक्विड लीजिएगा तो ये गैस में चेंज होगा. यहां पे कोई चेंज नहीं होगा फेज में. इज इट क्लियर? ओके, नोट डाउन फास्ट. रिटेन. ओके, अब इसको ये जो तीनों बात किए सब्सटेंस का, सब्सटेंस का मीन्स मास की बात कर रहे थे. किसका? मास का. ठीक है, तो अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखें, तो यहां लिख देते हैं. आपको ट्रिक याद रखेगा, इसको कैसे ट्रिक में याद रखें, तो ट्रिक है एम टी पी. क्या है? एम का मतलब मेरी, और टो और पी, मेरी टोपी. एम मतलब मास, टी मीन्स टेम्परेचर, और पी मीन्स फेज. एम टी पी, मेरी टोपी. ओके, याद रहेगा? नोट डाउन फास्ट, देन वी विल कम टू द पॉइंट डेफिनेशन ऑफ दिस. ओके, लेटेंट हीट पे जब हम बात कर रहे थे, तीन पॉइंट आपको समझा. अब वो तीनों पॉइंट के बेसिस पे हम आपको डेफिनेशन बताते हैं. क्लियर है? तो डेफिनेशन क्या है कि कितना जो आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, जितना हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं. क्लियर है? किस लिए? कि आप कोई भी अमाउंट लेटेंट हीट में जब आप बात कर रहे हैं, तो कितना सप्लाई कर रहे हैं अमाउंट हीट का, हीट एनर्जी का, किस लिए? फेज चेंज करने के लिए. किसके लिए? फेज चेंज करने के लिए. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट. क्लियर? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इज इट क्लियर, सप्लाइड टू द सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट इज नोन एज लेटेंट हीट. आई बात समझ में? ओके, हम आपको बता रहे थे कि बाहर से ऐसे बोले कि कितना एनर्जी, हीट एनर्जी या एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है. क्लियर? उस सब्सटेंस के फेज को चेंज करने के लिए उसी एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट. क्या बोलते हैं उसको? लेटेंट हीट. आई बात समझ में? सो नोट डाउन, द हीट एनर्जी, द हीट एनर्जी विच हैज टू सप्लाई, विच हैज टू सप्लाई supply to change the physical, the state of
or physical state, the state of substance is called as latent heat. LH. आई बात सुनिए, पीछे समझिए, कितना एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं, कितना एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं किसी सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए, उसी को हम लोग बोल रहे हैं लेटेंट हीट. क्लियर हुआ? नोट डाउन. रिटर्न. अब इसका दो टाइप होता है, एलएच मतलब लेटेंट हीट, इसका दो टाइप होता है. ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग कभी कभी एल एच भी बोलते हैं और कभी कभी एच एल एफ भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एल एच एल एफ, इसको एल एफ भी या एल भी बोलते हैं कभी कभी. आई बात समझ में? नोट करिए, फिर आगे हम लोग लिख लिए. इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन and specific heat and some we will do some numericals on basis of this. Okay, thank you for watching. Bye bye.